नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आपके सामने मनी गुरु का एक और खास सेगमेंट हम पेश कर रहे हैं। कल के होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, जो कि आप डे टू डे एक्टिविटी में आप यूज करते हैं, वो भी कितना इम्पोर्टेंट होता हो सकता है। अगर कल को आपको कुछ हो जाए, इन द इवेंट ऑफ डेथ और सिकनेस में कुछ हो जाए, तो आपके परिवार वालों के लिए ये कितना अहम होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सेविंग अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, वहीं से ज़्यादातर आपकी ईएमआई डिडक्ट। को कुछ हो जाए तो ऐसे केस में आपके परिवार वाले उस अकाउंट का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस अकाउंट की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने भी काफ़ी सारा कड़े नियम, काफ़ी सारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए हुए हैं सेविंग अकाउंट के लिए, कि उसको कोई और उसका दुरुपयोग ना कर सके। और अक्सर हम देखते हैं, बैंकों को भी देखते हैं, कि वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपके सेविंग बैंक की जो अकाउंट है वो आप किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहिए, जिसका कि हम भी समर्थन कर रहे हैं। अकाउंट्स की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि कल को अगर आपको कुछ हो गया, कुछ परेशानी हो गई, क्राइसिस के सिचुएशन में आपके परिवार को अगर कुछ रकम की ज़रूरत है, तो उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस होंगे, रिजिड प्रोसेस होंगे। और अक्सर ये भी देखा गया है कि नॉमिनी साबित करने के लिए लोगों को अक्सर कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ चुके हैं। इसके पेपर प्रोसेस इतने ज़्यादा कड़े होते हैं कि कई बार लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं प्रूफ करने के लिए और उस रकम का इस्तेमाल करने के लिए। किस तरीके से आप इस प्रोसेस से बच सकते हैं और किस तरीके से आप इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं विदाउट एनी ज़्यादा कड़े नियम का को फेस करते हुए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ पूजा मिंडे जुड़ी हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में और बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े ग्राहकों को और उनके परिवार वालों को, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सेविंग अकाउंट में हम काफ़ी सारा पैसा रखते हैं और उसकी ज़रूरत आगे चल के हमारे परिवार को भी हो सकती है, तो किस तरीके से करना चाहिए, अपने सेविंग बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। जी देखिए पूजा, पहले तो जैसे आपने सही बताया कि सेविंग बैंक अकाउंट, ये आप किसी भी इंडिविजुअल फैमिली की कहीं पे भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है वो सेविंग बैंक के थ्रू ही होता है, चाहे आपके इंश्योरेंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके कोई पेमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, या कोई भी तरीके का आपको सैलरी इनकम आती है, बिजनेस इनकम है, सब कुछ हमारा सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए से ही होता है। तो इस वजह से इसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि हमें इसका जो शेयर नहीं कर सकते हम बैंक अकाउंट डिटेल्स, काफी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और काफी सारे आरबीआई ने फैसिलिटीज भी दी गई है अकाउंट होल्डर्स के लिए। अब ये एक मुद्दा आ जाता है कि अगर जो सेविंग अकाउंट होल्डर है, अगर कोई क्राइसिस हो जाती है उसके साथ, कोई इवेंट ऑफ डेथ आ जाती है, तो उसके बाद क्या, तो उसमें जिनके ऑलरेडी सेविंग अकाउंट अभी है तो वो देख ले कि उन्होंने नॉमिनेशन बराबर डाला है या नहीं। अब नॉमिनेशन फैसिलिटी हर एक इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगी, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट, लेकिन आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस सब में आप जांच करें और ध्यान से आप एक बार देख ले कि आपने नॉमिनेशन किया है, और अगर उसमें कोई अपडेशन की जरूरत है, जैसे क्या होता है पूजा, काफी टाइम किसी बैचलर ने नॉमिनेशन अपनी पेरेंट्स को डाला होगा और शादी के बाद उनको नॉमिनेशन चेंज करना होता है, तो ये एक चीज हो जाती है जो वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। ऐसे काफी सारे माइनर टू मेजर वाले नॉमिनेशंस हैं, अगर किसी गार्डियन को अपॉइंट किया गया है, अब वो मेजर हो गया है तो उसके नॉमिनेशन, तो काफी सारे इवेंट्स में हमें नॉमिनेशन को ध्यान से देखना जरूरी है कि किसे नॉमिनेट किया गया है और उसे अपडेट करना जरूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी का काम तब आता है जब अकाउंट होल्डर नहीं है, तो सारा का सारा जो बैंक अकाउंट में पैसा है वो उसे नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है। अब अगर नॉमिनेशन नहीं है तो कानूनी तरीके से जो वारिस होता है, जो लीगल हेयर होता है, उसे मिलता है पूरा का पूरा अकाउंट का बैलेंस, लेकिन उसमें भी आपको सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, वो एक लंबा प्रोसीजर है। कोर्ट के धक्के, जैसे हाल ही में भी हमने एक केस सुना था कि जो हस्बैंड थे वो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में और थोड़ा एक इश्यू हो गया था कि वो साइन नहीं कर पा रहे थे और ज्वाइंट होल्डर में नहीं था उनका नाम,
तो वाइफ को कोर्ट के धक्के खाने होते हैं। अब सीनियर सिटीजन को ये सारी दिक्कतें ना आए, इसके लिए मैं कहूंगी कि जो भी सीनियर सिटीजन है वो ध्यान से अपने पेपर वर्क को समझे और अपने नॉमिनेशन सही तरीके से रखें। और कोई नया बैंक अकाउंट होल्डर अगर अभी खोलना चाहता है तो ज्वाइंट होल्डर भी रख सकते हैं। ज्वाइंट होल्डर को एक बेनिफिट ये है कि आप उसमें ईदर और सर्वाइवर बेनिफिट रखें। नॉमिनेशन क्या है, अगर अकाउंट होल्डर नहीं है डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा मिलता है, लेकिन अगर ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन रखा है तो हस्बैंड के बाद वो वाइफ अकाउंट ऑपरेट कर सकती है, उसे यूज कर सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपको किस तरीके का फैसिलिटी आपके अकाउंट में रखना है, और इस तरीके से आप पूरा अपना प्लानिंग पहले से करके रखिए। नहीं किया है तो अभी जांच कर लीजिए। बिल्कुल, तो काफी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपने पूजा, कि अगर अभी अगर नॉमिनी नहीं है आपका और अगर है भी और उसको अपडेट कराने की जरूरत है तो वो जरूर करा लीजिए, क्योंकि लीगल हेयर जो होगा उसको काफी ज्यादा प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। एज आई सेड कि स्टार्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और काफी लंबा प्रोसेस होगा उस सब चीजों को प्रूव करने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि नॉमिनी रखें, या फिर ज्वाइंट सेविंग बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन आपके पास है, आप वो भी कर सकते हैं। इस चर्चा को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है अपना सवाल लेके। विजय जैन जी जुड़े हैं इंदौर से। नमस्कार विजय, पूछिए। मेरे को ऐसा है कि मुझे कुछ 5-7 लाख रुपया है। ओके। मुझे 5 से 6 साल तक मुझको उसकी भी जरूरत थी। और अगर मैं मेरी मदर के नाम से लगाता हूँ तो वो मेरे को सीनियर सिटीजन अकाउंट में 8.3 का इंटरेस्ट मिल जाएगा जी। पर इसके अलावा अगर कोई कहीं म्यूचुअल फंड ऐसा कोई बताए अगर आप जिसमें लगाऊं किससे ज्यादा रिटर्न मिल सके। ओके, पूजा क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? देखिए विजय जी, आपका जो गोल है काफी सेट है कि आपको आपके 5 से 6 साल बाद आपको आपकी बिटिया की शादी के लिए पैसे चाहिए, और आपने राशि भी नक्की की है 7 लाख रुपए। तो मैं कहूंगी कि शॉर्ट टर्म गोल है पूजा इनका 5 से 6 साल का, तो अपने जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नक्की किया है उसमें 8.3% एक डेट फंड के हिसाब से उसमें रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत रिटर्न कम हो जाता है। अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा बहुत जोखिम उठा सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में बैलेंस फंड करके ऑप्शन है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों हैं। इक्विटी 60 से 70% है और डेट पोर्शन जो है वो 30 से 40% है। इस तरीके के फंड में आप मिनिमम 5 साल तक रखें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अराउंड 12% के आसपास आपको रिटर्न छूट सकता है जो टैक्स फ्री होगा। तो रिटर्न के हिसाब से बैलेंस फंड अच्छे हैं, जिसमें HDFC बैलेंस फंड है, L&T प्रूडेंस फंड है, DSP बैलेंस फंड है, आदित्य बिरला का बैलेंस 95, ये कुछ फंड्स हैं जो अच्छे हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि आप जोखिम उतना उठा सकते हैं या नहीं। अगर आपको जरा भी जोखिम नहीं उठाना है और सिर्फ डेट फंड्स को ही ध्यान में रखना है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक ऑप्शन है, और सामने अगर म्यूचुअल फंड में रखना है तो डेट म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है, जहां अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में आपको 20% ही टैक्स लगेगा। तो ये चीज ध्यान में रख रहे, एक तो आप जोखिम उठा सकते हैं और दूसरा आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। तो विजय जी ये सलाह आपको दे दी गई है, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कोई भी सवाल है आप हमें हम तक मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक और सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर। दुबई से हमें मेल किया है अब्दुल मुनाफ जी ने, इनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। ये दुबई में रह रहे हैं और फिलहाल ये कुछ 47,000 का म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, कुछ 7 फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है, और अब ये 35,000 का कुछ और इसको अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं ये, और कुछ सालों में ये करीब 4 से 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2030। पूजा क्या सजेस्ट करेंगी, पहले तो ये बताएं इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है और जिस तरीके से ये निवेश कर रहे हैं, ये जो गोल है इनका क्या ये अचीव कर सकेंगे? जी देखिए पूजा, इनका पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ तो काफी सारे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। जैसे इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी के 2 फंड्स लिए हैं,
बिरला और कोटक सिलेक्ट फोकस है, बैलेंस कैटेगरी का एक है वो चलो ठीक है, मिड कैप कैटेगरी के तीन फंड्स लिए हैं इन्होंने, मिरे का, मोतीलाल और यूटीआई मिड कैप, और एक मल्टी कैप लिया इन्होंने जो पीपीएफए का है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी हम एसआईपी शुरू करते हैं, ये एक जनरल सलाह है जो हम सबको हम दे सकते हैं पूजा, कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी रूट लेते हैं और एसआईपी अमाउंट नक्की करते हैं तो आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप एएमसी को डाइवर्सिफाई कीजिए और स्कीम को डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन वही स्कीम के अलग, वही कैटेगरी के तीन चार स्कीम्स मत डालिए। जैसे मिड कैप कैटेगरी का एक ही रखिए, स्मॉल कैप लेना है तो उसका एक रखिए, मल्टी कैप एक रखिए, लार्ज कैप एक रखिए, बैलेंस फंड रखिए। ये चार पांच अगर आपने अलग अलग कैटेगरी का एक एक फंड ले लिया तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत चर्न करना जरूरी है इन्हें। अगर ये स्मॉल कैप कैटेगरी लेना चाहते हैं तो एक एसबीआई स्मॉल मिड कैप ले सकते हैं, मल्टी कैप इन्होंने नहीं रखा है। पीपीएफए के जगह पे मैं सजेस्ट करूंगी आदित्य बिरला का एक एडवांटेज फंड ले लें। जो इनका गोल है पूजा, 4 से 5 करोड़ की राशि इकट्ठा करना चाहते हैं और इनके पास 13 साल ही है, 2 साल से ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इन्हें सिर्फ 3 करोड़ की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। अगर ये 4 से 5 करोड़ की राशि इकट्ठा करना चाहते हैं तो इन्हें मिनिमम 60 से 70 हजार की एसआईपी शुरू करनी होगी। तो अगर ये सुन रहे हैं तो इन्हें इतनी एसआईपी अमाउंट बढ़ानी है जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी इनकम बढ़ती जाए। तो एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं फटाफट से, पुणे से हमारे साथ निर्मय जी जुड़े हैं। निर्मय नमस्कार, पूछिए। नमस्कार पूजा। नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं अभी रिलायंस टेक्सटाइल में 3,000 रूपए का एसआईपी कर रहा हूँ एलएसएस फंड में, ओके, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे ये फंड 25 से 30 साल के लिए रखना है एज ए रिटायरमेंट प्लान के लिए। अच्छा, रिटायरमेंट के लिए। हाँ, तो मैं सोचा था कि ये फंड, मतलब जो एलएसएस वाले फंड रहते हैं, ये रिटायरमेंट के लिए ठीक रहते हैं या नहीं? और आप रिटायरमेंट के बाद कुछ बता सकते हैं कितनी रकम चाह रहे हैं आप? अभी तो मतलब मैं इसमें बढ़ाने वाला हूँ एसआईपी, लेकिन अप्रोक्सी में 1 करोड़ के, मतलब 1 CR देख रहे होगी। ओके ओके, पूजा क्या सजेस्ट करेंगी? बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए जो ईएलएसएस फंड में इन्होंने निवेश किया है, क्या ये पर्याप्त है, सही है, अगले 20 से 25 साल के लिए के बाद इनको करीब 1 करोड़ की राशि चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इनको बता दूं कि ये जो ईएलएसएस फंड है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि आप टैक्स सेविंग बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब 3,000 महीने की, मतलब साल की 36,000 रुपए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ये एटीसी डिडक्शन में जो 1.5 लाख की राशि इनको अलाउ की जाती है उसमें से 36,000 ये क्लेम कर सकते हैं हर साल। तो पहले तो एटीसी डिडक्शन का जो गैप है वो नक्की कर ले, ये हो गया टैक्स सेविंग, हम इसके लिए ही चूज करते हैं। हाँ, अगर टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने ये फंड चूज किया है ईएलएसएस को, और साथ ही में ये फंड को रिटायरमेंट गोल के साथ अगर ये लिंक कर रहे हैं, क्योंकि सही समझ है पूजा यहाँ पे कि हर एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो कोई ना कोई गोल के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया, टैक्स की बेनिफिट भी ले लेंगे और गोल भी इनका पूरा हो जाएगा। तो अगर ये 25 से 30 साल के लिए अगर 3,000 की राशि कंटिन्यू करेंगे तो आराम से, अगर मैं 15% का भी अजम्पशन रिटर्न पकड़ूंगी तो वो अराउंड 2 CR से 3 CR की राशि इजीली इकट्ठा कर पाएंगे, अराउंड 2 से 3 करोड़ रुपए आप इजीली इकट्ठा कर पाएंगे। आपको रिव्यू करना जरूरी है और इसमें बने रहना जरूरी है। ओके, चलिए, ये राय निर्मय आपको दे दी गई है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से, लक्ष्मीकांत, पूछिए लक्ष्मी जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सालाना इनकम है 8 लाख। ओके, 8 लाख, और मैं 15 ईयर में 2 करोड़ रुपया जमा करना चाहता हूँ, और रिटायरमेंट के लिए जो टैक्स सेविंग जो ईएलएसएस फंड है वो मैं 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कौन से फंड में करूँगा दोनों? ओके, के लिए आप एसआईपी में करीब 60,000 पर मंथ निवेश कर सकते हैं, राइट? यस, हाँ। ओके, पूजा क्या सजेस्ट करेगी? इनका भी जो सवाल था वो मोर और लेस जो पहले हमारे दर्शक आए, जो कॉलर आए थे, उनके ही जैसा है। ये भी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाह रहे हैं और टारगेट इनका भी 2 करोड़ के आसपास है। कुछ अच्छे फंड्स आप इनको सजेस्ट कर सकती हैं जहां पर ये निवेश कर सकते हैं? जी देखिए, जो 1.5 लाख की राशि है
ठीक है, अगर पहले तो इन्हें चेक करना जरूरी है पूजा। काफी टाइम क्या होता है, हमें इनको लगता है कि 1.5 लाख पूरा मिलता है, तो अगर सैलरीड है तो आपको जो भी पीएफ है जो कटता है वो आपको डिडक्शन मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो प्रीमियम भरते हैं वो आपको डिडक्शन मिलता है, होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिडक्शन मिलता है, पीपीएफ में भर रहे हैं तो वो डिडक्शन मिलता है। इसके बाद अगर आपके पास गैप है, ये अगर ऑलरेडी चालू है तो, अगर इसमें से कुछ भी चालू नहीं है तो ईएलएसएस फंड जो है म्यूचुअल फंड के, वो सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ भी मिलती है इक्विटी में लंबे समय के लिए और अच्छा खासा कॉर्पस भी मिल जाता है। फंड्स अगर मैं सजेस्ट करूं तो रिलायंस का टैक्स सेवर फंड अच्छा है, आदित्य बिरला सनलाइफ का टैक्स रिलीफ 96 अच्छा है, डीएसपी का टैक्स सेवर अच्छा है। 2 करोड़ की राशि चाहते हैं ये पूजा 15 साल में, अगर हम नॉर्मल 12% का अजम्पशन रिटर्न पकड़े तो इन्हें मिनिमम आज से 40,000 की एसआईपी शुरू करनी होगी, जो ये कंफर्टेबली 50,000 की एसआईपी बोल रहे शुरू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें ये गोल अचीव हो जाएगा अगर ये सिस्टमैटिकली इसको कंटिन्यू करें और रिव्यू करते रहें पोर्टफोलियो को टाइमली। ओके, तो लक्ष्मी जी ये सलाह आपको दे दी गई है, टाइमली आप रिव्यू भी करते रहिए अपने पोर्टफोलियो के, और कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप उधर से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पूजा, हम जो डिस्कस कर रहे थे सेविंग बैंक अकाउंट के नॉमिनी को लेकर, कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं बीमार पड़ जाते हैं या उस हालत में नहीं होते कि सिग्नेचर कर सके, और एट टाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि मिसिंग केसेस भी सामने आ जाते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं जो परिवार वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या प्रावधान है, क्या नियम है उसके लिए? देखिए, आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर कोई साइन नहीं कर सकते हैं चेक पे तो वो अंगूठा भी लगा सकते हैं। अंगूठा अगर नहीं लगा सकते हैं के तो उस जगह पे वो टो मतलब पैर का अंगूठा भी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही केस में 2 विटनेस लगेंगे, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इस तरीके से वो बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। जो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं आप पूजा, उसमें जैसे गवर्नमेंट रूल है कि 7 साल तक अगर कोई मिसिंग है तो उसे मृत्यु डिक्लेयर की जाती है, उस पर्सन की डेथ डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके बाद उसकी जो प्रोसीजर है बैंक रिलेटेड, अगर नॉमिनेशन है तो वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलता है, और अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर जो कानूनी तरीके से जो वारिस होगा उसे मिलता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी पूजा, जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ये अगर समझो अवेलेबल नहीं है कंट्री में और उनका बिजनेस चलता है, चेक साइन होती है, तो वो अपने चेक पे कोई फैमिली मेंबर या कोई उनका ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता है या कोई काम करता है उनके बिजनेस में, उसकी सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी देके, तो उस पर्सन की सिग्नेचर चलेगी उनकी जगह पे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इस जगह पे उनका काम रुकेगा नहीं, काम चलेगा। और अगर ये सेविंग बैंक अकाउंट है तो वहां पे उन्हें मैंडेट देना जरूरी है, लेकिन ये जो सिग्नेचर अलाउ करते हैं बैंक अकाउंट यूज करने के लिए उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 30-40% ही आप बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं ऐसे इंसान, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में हम रख सकते हैं दर्शकों के लिए। ओके, तो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया आपने पूजा। एक और सवाल ले लेते हैं दर्शक का, अहमदाबाद से हमारे साथ शशिकांत जुड़े हैं। शशिकांत नमस्कार जी। हेलो जी शशिकांत जी, आपको आवाज आ रही है, पूछे सर। हेलो हेलो शशिकांत जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, हम आपको और बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, और सवाल पूछिए अपना। आ रही है जी जी आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम जी? हेलो जी जी पूछिए। हाँ आवाज आ रही है मेरी जी? आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। अच्छा, मेरे को क्या है कि मैंने एक HDFC चिल्ड्रन फंड और टाटा रिटायरमेंट फंड दोनों में मैंने पैसा डाला है। अच्छा, मेरे पास वो क्या, जब जब मैं मेरे पास पैसा आता है ना तब मैं उसके अंदर डालता हूँ। ओके, और अभी मेरे को क्या है कि वो दोनों में SIP करने का है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, वही उसमें ही SIP चालू करूँ या दोनों अकाउंट में नई SIP चालू करूँ? आप दोनों अकाउंट में ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, कितनी की SIP कर रहे हैं आप? नहीं, वो SIP मैडम नहीं करता, वो क्या जब जब मेरे पास पैसा आता है ना तब मैं वो दोनों फंड में डालता हूँ। अच्छा, तो अभी वो SIP चालू है फिलहाल आपकी? हाँ वो तो चालू है, पर वही फंड में मेरे को SIP चालू करने की है,
तो वो मैं उसमें चालू करूँ या ये दोनों फंड में नई SIP चालू करूँ। ओके ओके, तो कितने समय के लिए आप कर सकते हैं इसमें? नहीं, वो तो अभी मैं 10 साल तक तो कर सकता हूँ। पूजा, क्या सजेस्ट करेंगी HDFC चिल्ड्रन फंड में ये निवेश कर रहे हैं? जैसे जैसे इनके पास पैसा आता है, रकम आती है, ये वहां पर निवेश करते हैं। और दूसरा फंड इन्होंने टाटा रिटायरमेंट फंड बताया है। इनका सवाल आपने सुना, क्या सजेस्ट करेंगी आप इनको जिस तरीके से ये निवेश कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी देखिए, या देखिए, इनका जो कहना है, जब जब इनके पास पैसा आता है तभी ये निवेश करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट है, मैं समझ रही हूँ। दोनों ही एक बैलेंस फंड है, बैलेंस कैटेगरी, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, जो बेसिकली हम चाइल्ड के एजुकेशन के लिए रखते हैं 18 ईयर्स के लिए। इनका मुझे लगता है काफी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की तरफ है बैलेंस फंड, अगर इन्होंने डाला हुआ है। 10 ईयर्स का होराइजन है, तो अगर ये SIP शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये फंड में शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच होगा। कंजर्वेटिव मतलब अगर इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और 60% ही इक्विटी में डालना है, 40% ये सेफ रखना चाहते हैं, तो इसमें ही SIP शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली अगर 10 साल का होराइजन है तो ये थोड़ा बहुत लार्ज कैप और मल्टी कैप में भी SIP शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड करने कि अगर SIP अमाउंट समझो 10 या 20 हजार है, तो इसमें थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। एक 10 हजार की SIP आप इसमें शुरू करें और दूसरी 10 हजार की SIP एक मल्टी कैप फंड में शुरू कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही जो इन्होंने फंड मेंशन किए, दोनों ही बैलेंस फंड है, तो इन्हीं दोनों में वापस SIP शुरू करना तो वही हो गया, एक ही कैटेगरी का हो गया। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक इनमें से किसी एक में शुरू कर दे और एक वो एक मल्टी कैप फंड शुरू कर सकते हैं या लार्ज कैप, डिपेंडिंग है कितने समय के लिए रखना चाहते हैं। ओके, तो शशिकांत जी, ये सलाह आपको दे दी गई है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के जो भी सवाल थे उन्हें एड्रेस करने के लिए। तो आज जो हमने चर्चा की उससे कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसका नॉमिनी आप रख लें। नॉमिनी अगर है तो प्लीज उसको जाकर फिर से रिव्यू कीजिए। अगर आपको अपडेट करना है तो बैंक से जाकर संपर्क करिए, क्योंकि किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आपके परिवार वाले जिससे उसका उपयोग सही तरीके से कर सके।